सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई बॉस सौरभ गांगुली ने 5 अक्टूबर से खेले जाने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम चुनी है। दादा ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में एशिया कप की टीम के दो खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। बता दें कि बीसीसीआई को 5 सितंबर से पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान करना है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की एशिया कप की जो टीम है उसी के आसपास वर्ल्ड कप की टीम भी होगी। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भी एशिया कप के लिए टीम के ऐलान के वक्त कहा था कि वर्ल्ड कप टीम भी कुछ इसी तरह होगी। हालांकि सौरभ ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में एशिया कप की टीम के दो खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। गांगुली ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं चुना है। दादा ने 15 सदस्यीय टीम के अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी चुना है, जिसमें चहल, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सौरभ गांगुली की जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर का नाम शामिल है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में करेगा। 11 अक्टूबर को भारत अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ फिर अहमदाबाद में, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में, 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में, 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में, 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में और 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया बेंगलुरु में खेलेगी। अब देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल को लेकर जो बवाल मचा है उस पर भी दादा का कहना था कि चहल एक इम्पोर्टेंट हथियार हो सकते हैं। एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर टीम के साथ होना जरूरी है। अब आपको देखना है कि आप टीम में कैसे रखते हैं उन्हें। खबरी चौखट की रिपोर्ट।